मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं इसे अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा और चुनौती जब अवसर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में करीब डेढ़ महीने के बाद जब नई सरकार बनी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। अब मंत्रियों को विभागों का भी आवंटन हो गया है। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के नए मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण किया। दिलीप जायसवाल को अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका कार्यालय में स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल, पहले सुनवाते हैं। मुझे विभाग का मंत्री के रूप में पदभार लेने का मौका मिला है और जैसा कि आपको विदित है कि राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी समाज में निभाता है और इस विभाग में बहुत सारे समस्याएं भी आम लोगों के बीच से सुनने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं इसे अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा और चुनौती जब अवसर में बदलने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि अपने आप जो जनता की समस्याएं हैं और विशेष करके जो भूमि विवाद है उसका रास्ता निकल सकता है। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल पदभार ग्रहण करने के बाद कह रहे थे कि जो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के जो कार्य है उसे अब हम तेजी से बढ़ाएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ अब जो बिहार में जमीन से जुड़े मामले हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में डेढ़ महीने पहले जब सरकार बनी उसके डेढ़ महीने के बाद अब जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हुआ। कुल 21 मंत्रियों ने शपथ लिया है, बीजेपी कोटे से 12 मंत्री और जेडीयू कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ लिया। नए मंत्री जो बने हैं अब वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अब विभागों का भी आवंटन हो गया। अब नए भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री पदभार ग्रहण किए। पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।